आरपीएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। मेरे साथ मौजूद है रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी, जिनसे जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। आज रविवार 31 जुलाई 2022 है। विक्रम समय 2779, राक्षस सख समत 1944। श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है, जो 1 अगस्त को प्रातः 4:18 तक रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 5:42 पर होगा। सूर्या शाम को 7:13 पर होगा। मघा नक्षत्र है, जो दोपहर 2:20 तक रहेगा। तत्पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। त्वरियान योग है, जो शाम को 7:12 तक रहेगा। तत्पश्चात परिग योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:18 से 5 बजे तक रहेगा। प्रातः संध्या का समय प्रातः 4:49 से 5:42 तक रहेगा। यह पूजन के लिए शुभ समय माना जाता है। अभ्युत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से 12:54 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे वह निर्विघ्न संपन्न होगा। अशुभ समय राहु काल का समय है शाम को 5:31 से 7:13। इसमें कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। हट बचत कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है आपका कार्य सफल न हो, इसलिए समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। गंडमूल प्रातः 5:42 से 2:20 तक रहेगा। जानते हैं आज का संपूर्ण राशि फल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काफी दिनों से बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्राएं सोच समझ कर करने की जरूरत समझें। अपने भेदों को गुप्त रखें। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना आज दोपहर के बाद ही हितकर होगा। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज धार्मिक कार्यों के पीछे धन अधिक खर्च हो सकता है। पत्नी या प्रेमिका से विवाद की संभावनाएं हैं। वस्त्र आभूषण मुफ्त में मिल सकते हैं। पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगी। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज ज्यादा पैसे लगातार खर्च होंगे, क्योंकि कुछ खरीदने में आपको दिलचस्पी अधिक रहेगी। फिलहाल अपना इरादा बदल दें, नहीं तो आपका पैसा कहीं फंस सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता समझें। कार्य बिगड़ते बिगड़ते संभल जाएंगे। जानते हैं अगली राशि कर्क राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना आपके लिए हितकर होगा। किसी मांगलिक कार्य में आपको जाना पड़ सकता है। अपने किसी सहयोगी की मदद लेनी पड़ सकती है। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज के दिन की शुरुआत किसी शुभ कार्य से हो सकती है। किसी महिला मित्र से मिलकर प्रसन्नता होगी। लोहे से संबंधित किसी वस्तु को खरीदना आज फायदेमंद नहीं होगा। वाहन पूर्ण सावधानी से प्रयोग करें। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको छोटा प्रवास करना पड़ सकता है। अपनी सभी वस्तुओं को संभाल कर रखना होगा। चोरी जा सकती है या खो सकती है। अपने परिवार के लोगों से विवाद ना करें, इसी में आपका भला है। जानते हैं अगली राशि तुला राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज भूम भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करने का इरादा हो तो दिन शुभ कहा जा सकता है। काफी दिनों से रुके हुए कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काफी दिनों से सोचे हुए कार्यों में सफलता नजर आएगी। माता जी का स्वास्थ्य डगमगा सकता है। ध्यान देने की जरूरत बनाए रखें। श्री धार्मिक स्थल पर जाना पड़ सकता है। जानते हैं अगली राशि धनु राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल दिख रहा है। किसी नए कार्य की शुरुआत आज कर सकते हैं। काफी दिनों से बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा। जानते हैं अगली राशि मकर राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज व्यापारी वर्ग के लिए दिन फायदेमंद साबित होगा। नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों के लिए कठिनाइयों से भरा दिन कहा जा सकता है। निजी कार्यों के पीछे आपको दौड़ भाग अधिक मात्रा में करनी पड़ सकती है। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आप अपने परिवार से कुछ परेशान हो सकते हैं। खास तौर से अपने घर की महिलाओं से सावधानी बनाए रखें।
लोहे से संबंधित कुछ खरीदने का इरादा हो, फिलहाल अपना इरादा बदल दें। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको शुभ समाचार कहीं से मिल सकता है, मित्रों से सहयोग की आशा कर सकते हैं, पड़ोसियों से सावधानी बनाए रखें, नहीं तो किसी समस्या में फंस सकते हैं। बेकार के कार्यों से बचें, अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दें, तभी बेहतर बना सकते हैं। ज्योतिष परामर्श के लिए रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से संपर्क करें 9453555111। इस पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 से 11 बजे तक निशुल्क।